क्या रेजिस्टेंस बैंड से मसल्स गेन हो सकते हैं? इज इट एज इफेक्टिव एज डंबल्स? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वेट ट्रेनिंग इज बेटर और रेजिस्टेंस बैंड इज बेटर, सो लेट्स फाइंड आउट। हाय, आई एम निहान, वेलकम टू द चैनल लिविंग राइट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ रेजिस्टेंस बैंड के साथ वेट ट्रेनिंग की, जिसमें हम डंबल वर्कआउट करते हैं और वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए रेजिस्टेंस बैंड के मटेरियल की, तो ये रबर का बना होता है और इसमें इलास्टिसिटी होती है। एज वी ऑल नो कि रबर जैसे खींचते हैं वैसे ही रेजिस्टेंस बैंड जो है वो खींचता है, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस जनरेट होता है और इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज कर पाते हैं और अपने बॉडी के मसल्स को ट्रेन कर पाते हैं। अगर अदर साइड बात करें वेट लिफ्टिंग की, तो डंबल्स जो होते हैं वो काम करते हैं ग्रेविटी के फोर्स पे, मतलब कि जब आप उठाते हैं तो आप ग्रेविटी की डिफरेंट ऑपोजिट साइड पे उठाते हैं और इसी वजह से आपको जो वेट है, सपोज 5 केजी का डंबल है तो 5 केजी आपको लिफ्ट करना पड़ता है, और इसी तरीके से ये काम करता है, रेजिस्टेंस जनरेट करता है ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट जाकर, और फिर हमें मिलता है हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट, वहां से परचेस कर सकते हैं। इफ यू आर बिगिनर, आपको यही जो बैंड है वो चाहिए होगा, तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वैसे ये बहुत सारी वैरायटीज में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग बैंड होते हैं। ये लूप वाले बैंड भी होते हैं और दूसरे हैंडल वाले बैंड्स भी आते हैं, तो आप चेक कर लीजिए। सारे जो बैंड्स आते हैं जो अच्छे अच्छे होते हैं उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चेक इट आउट एंड परचेज इट इफ यू वॉन्ट होम वर्कआउट विथ This resistance। अब बात की जाए लेवल की, तो दोनों में ही आप नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं, लेवल अप कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस बैंड की बात करें तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके का बेल्ट यूज करते होंगे, पर जब आप एडवांस हो जाते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग करने लगते हैं, तो इसके बहुत सारे वेट के अलग अलग वेट के अलग अलग बैंड्स आते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वो अलग अलग बैंड का यूज करके आप अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप सेम टू सेम डंबल्स में भी, जब आप 5 केजी का डंबल उठा रहे हैं तो लेवल अप करने के लिए आप 7.5 केजी का ले सकते हैं, उसके बाद 10 केजी का ले सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपना लेवल अप कर सकते हैं दोनों में। एट द एंड दोनों का काम एक ही होता है, मसल्स के फाइबर को ब्रेक करना, क्योंकि जब मसल्स फाइबर ब्रेक होंगे आपके मसल्स पर प्रेशर बढ़ेगा और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक होंगे, तभी ये आपके मसल्स को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये दोनों में ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल की, तो दोनों में ही आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी वर्कआउट की स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी 10 रेप्स कर लेंगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, पर आप धीरे धीरे अगर 5 रेप्स भी करते हैं ना तो भी ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्पीड को रेजिस्टेंस बैंड में भी, और अगर आप डंबल यूज करते हैं तो उसमें भी। अगर आप रेजिस्टेंस बैंड यूज करते हैं तो आपको स्लोली एंड स्टेडी वर्कआउट करना होता है, और रेजिस्टेंस बैंड का फायदा ये होता है कि उसकी मूवमेंट जो है वो कंपाउंड मूवमेंट हो जाती है, प्रॉपर मूवमेंट होती है, और रॉन्ग पोस्चर और रॉन्ग एक्सरसाइज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर जब आप डंबल्स के साथ कर रहे हैं और स्लोली कर रहे हैं तो काफी, अगर बिगिनर हैं आप तो हो सकता है कि आपका पोस्चर सही ना रहे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम भी फॉलो भी कर देना, वहां पे मैं अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मेरी न्यू चैनल नेहा गोसे व्लॉग्स, अगर वहां पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पे भी कर दीजिए, ये रहा नेम, और लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैं ट्रैवल एंड ट्रैक से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस बनाती हूँ। अब बात करें रेजिस्टेंस बैंड के एडवांटेजेस की, तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप वर्कआउट स्टार्ट ही कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मतलब अपने मसल्स को गेन करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए रेजिस्टेंस बैंड से ही, क्योंकि इससे स्टार्ट करने से आपकी वर्कआउट जो है वो प्रॉपरली होगा, आपका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होगा, आपको ज्यादा फायदा भी मिलेगा, और स्टार्टिंग में इसे कंट्रोल करना भी इजी रहता है एज कम्पेयर टू डंबल्स। और रेजिस्टेंस बैंड में अपनी ही इलास्टिसिटी होती है, अपना ही रेजिस्टेंस होता है, और इसीलिए ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर भी काम कर सकता है, मतलब कि अगर आपको फ्लाई करनी है तो डंबल्स में आपको सोके करनी पड़ेगी, पर अगर आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ करना चाहें तो आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी तरीके से फ्लाई कर सकते हैं। अब बात करें प्राइस की, तो रेजिस्टेंस बैंड की प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ी लो होती है, अगर आप बिगिनर हैं स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप कम प्राइस वाला जो रेजिस्टेंस बैंड है वो ले सकते हैं ट्रायल के लिए, और फिर अगर आपसे अच्छी एक्सरसाइजेस हो रही हैं, रेगुलर आप कर रहे हैं, तो आप अच्छी कंपनी के रेजिस्टेंस बैंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और बात करें पोर्टेबिलिटी की, तो रेजिस्टेंस बैंड इज द बेस्ट, क्योंकि बैग में डालो और कहीं पे भी लेकर जाओ, अगर आप दूसरे शहर में भी जा रहे हैं, दूसरे देश में भी जा रहे हैं, आप इजीली कैरी कर सकते हैं और इजीली अपना वर्कआउट बिना स्किप किए रेगुलर कर सकते हैं।
Now about disadvantages. अगर आप बात करें वेट लिफ्टिंग की dumbbells की, तो उसका जो वेट होता है, मतलब आपके पास अगर 5 kg के dumbbells हैं, तो उसका 5 kg वेट जो है वो फिक्स रहता है, एक्यूरेट रहता है. पर बात करें रेजिस्टेंस बैंड की, तो अगर आपको यूज करना नहीं आ रहा है, अगर आप बिगिनर हैं, तो ठीक से रेजिस्टेंस अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 5 kg का जो रेजिस्टेंस बैंड है, अगर इसमें लिखा है कि ये इतना रेजिस्टेंस जनरेट कर सकता है, हो सकता है कि उससे कम भी करे. तो अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड से आपका काम नहीं चलेगा. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस बैंड जो है वो रबर के बने होते हैं, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि वो लूज हो जाए, ठीक से काम ना दे या फिर टूट भी जाए. पर डंबल्स जो है वो रफ एंड टफ होते हैं, आप कैसे भी यूज कीजिए, कितने भी टाइम यूज कीजिए, उसका जो वेट है वो सेम रहने वाला है, उसकी जो इफेक्ट है वो भी सेम रहने वाली है. तो एट द एंड कंपेयर करें रेजिस्टेंस बैंड और साथ में वेट लिफ्टिंग के लिए डंबल्स की, तो दोनों से ही मसल्स बिल्ड हो सकते हैं. पर आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, उसका करेक्ट पोस्चर जेस्चर आना चाहिए. अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं. पर अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको डंबल्स जो है वो रिक्वायर्ड. और कंपैरिजन के बाद अगर कुछ कंक्लूजन देना हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेजिस्टेंस बैंड इज गुड इफ यू आर बिगिनर. पर अगर आप कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बिगिनर लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में इसे ही लीजिए, सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड लीजिए. और फिर अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगे हैं, तो आप एक डंबल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपने एंजॉय किया है और लास्ट तक देखा है. अभी तक देखा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए. शेयर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी और बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप वैल्यू एड कर पाएंगे. तो हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्राइट विद #glowingbright.